वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का चालू किया हूँ, जिसमें आप लोगों के एंटीसाइकोटिक्स 5 चैप्टर का बारे में बता रहा हूँ। तो याद कीजिएगा कि एंटीसाइकोटिक्स ड्रग में कितने कैटेगरी है, उसके बारे में हम आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। उसमें हम आज के क्लासेस में 3 रिस्पायरिडोन का क्लासेस है, जो रिस्पायरिडोन जो एंटीसाइकोटिक्स में क्या वर्क करता है, इसका यूज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को आज जानेंगे, जो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो एंटीसाइकोटिक्स का आप लोग कैटेगरी है, जिसमें आप लोग रिस्पायरिडोन का नाम से जाना जाता है, कंपोजिशन के नाम से दवा मिलता है, जो ये जो लिखा हो जिसमें आप लोग कंपोजिशन नाम से मिलेगा। इसका ब्रांड नेम से जाएंगे तो इसका ब्रांड नेम से सर्च करेंगे तो ये कंपोजिशन नेम आएगा, जिसे रिस्पायरिडोन सर्च करेंगे तो इसको रिस्पायरिडोन के नाम से आता है। तो दोस्तों इसका देखा जाए तो रिस्पायरिडोन इज यूज टू ट्रीट द सिम्पटम, सिम्पटम के लिए यूज होता है। आप सिम्पटम कौन सा, तो से मतलब सचियो पेनिया से पेनिया होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ए मेंटल आइनेस एंड डेट कॉज डिस्टर्बर या अनयूजुअल थिंकिंग लोस मतलब लेस ऑफ द इंटरेस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड द स्ट्रॉन्ग ऑफ द मतलब इन अप्रो राइटेड इमोशन। जैसे अडल्ट देखा जाए तो टिंगर 13 ईयर अपर एज एंड ओल्डर। तो इसमें जो आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें यूज क्या होता है, जिसके कारण हम लोगों को ये दवा लिया जाता है, तो सचियो जो पेनिया का जो मतलब प्रॉब्लम होता है उसके लिए यूज होता है, मूड डिसऑर्डर होता है उसके लिए होता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं उसके लिए यूज होता है, बिपोलर डिसऑर्डर होता है उसके लिए यूज होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, इसी तरह यह है सचियो पेनिया जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। इसका केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर देखा जाए तो 2,3,2,4,6 प्रो 1,2 बेंजी बेंजी सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल 3 वाइल होता है, 1 पेरी पेरिडोन होता है, 1 वाइल होता है, 2 मेथाइल 6,7,8,9 टेट्राहाइड्रो पेरिडोन होता है, 2,1,2,8 पेरिडोन 4,1 ही होता है। तो इसके नाम से रिस्पायरिडोन जो होता है इसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर है, इसको ये अच्छा से याद कर लीजिएगा, जिसमें बेंजीन में जुड़ के बना होता है, ठीक है। इसका यूज हम आप लोग बता दिया कि सचियो पेरिनिया जो होता है उसके लिए यूज होता है, मूड डिसऑर्डर के लिए यूज होता है, और डिप्रेशन में होता है। ये तो ये क्या होता है टू ट्रीट, मतलब डॉक्टर इसीलिए कौन से बीमारी इसके लिए दवा लिखा जाता है। मान लीजिए मतलब आप लोगों को सचियो मतलब मेरे को चाहे किसी का भी हो गया तो इसको सचियो जो पेनिया हो गया उसके लिए दवा लिखा जाएगा, मूड डिसऑर्डर हो गया उसके लिए, डिप्रेशन में चला गया तभी लिखेंगे, बिपोलर डिसऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। तो इसका अकॉर्डिंग होता है एमजी कितना होता है, इसका एमजी अलग अलग होता है। इट इज शुड बी मतलब इस कहाँ रखा जाता है, जो मेडिसिन बनता है किस जगह रखना चाहिए, हम लोग जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पर रखा है। इट शुड बी नो शुड बी स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर एंड द लिक्विड प्रिपरेशन शुड नॉट बी रिफ्री मतलब रेफ्रिजरेटेड होता है। फॉर्मुलेशन में देखा जाए तो टैबलेट और ऑरल सॉल्यूशन आता है, ब्रांड नेम से देखा जाए तो रिस्पायरिडोन आता है, और परसेरिया आता है। तो आप लोग नेट पर सर्च करेंगे तो इसका नाम से भी मिल जाएगा, रिस्पायरिडोन जो कंपोजिशन का नाम सर्च करेंगे तो मिलेगा, और इसका रिस्पायरिडोन के नाम से सर्च करेंगे तो पूरा मेडिसिन के क्या यूज है इसके बारे में पता चल जाएगा। तो आज की क्लासेस में हम बताया, जैसे आप लोग मान लीजिए पेपर में लिखने जा रहे हैं तो आप लोग हेडिंग डालिएगा मतलब रिस्पायरिडोन होता है, उसके बाद स्ट्रक्चर मतलब केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर डालिए, उसके बाद यूज, उसके बाद स्टेबिलिटी एंड मतलब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज डालिए, उसके बाद फॉर्मुलेशन ब्रांड नेम और इस बस इतना आप लोग लिखना है। आप लोग ज्यादा लिखना चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मतलब आईयूपीएसी नेम ऐसा सब कुछ लिख सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर जो होता है मॉलिक्यूलर लिखने के लिए उसके लिए, तो ये इतना लिखने से जरूरत नहीं है, जितना है उतने लिखिए, जिसमें आप लोग जितना पूछा जाए उतने बताइए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इससे आप लोग अच्छे से, और एक चीज और याद रखिएगा, न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग है, जिसमें आप लोग अच्छे से जानकारी मिल गया
इसी तरह आप लोग लिखेंगे तो अच्छा सा नंबर आ जाएगा। और देखिए 2 मिनट में याद करने के लिए अच्छा शॉर्टकट में है, इसमें आप लोग समझ भी लेंगे और लिख भी लेंगे जाकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइए, इसी टाइम से आप लोग वीडियो मिलेगा डेली डेली रूटीन में, और अच्छे से पढ़िएगा। जो आप लोग नहीं समझ आया तो कमेंट जरूर कीजिए, नहीं तो आप लोग ग्रुप में जो व्हाट्सएप है उसके मतलब शेयर मतलब चैट कीजिए, उसके बारे में बताऊंगा।